हरे कृष्णा। तो आज हम सवाल लेने वाले हैं कि इस संसार में भला हम क्यों नहीं खुश रह सकते। अरे कोशिश करेंगे, क्यों नहीं रह पाएंगे हम लोग। आप कह रहे हो संसार में हम खुश नहीं रह सकते। सो मेनी पीपल दे आर हैप्पी। हाँ, जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं कितने खुश हैं, मॉडलिंग इंडस्ट्री में कितने खुश हैं। और आप कह रहे हैं जी इस संसार में हम लोग खुश नहीं रह सकते। भला इस संसार में खुश रहने के लिए प्रयास करना, जद्दोजहद करना, भला इसमें क्या खराबी है। तो यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अक्सर लोग इसी सवाल को क्योंकि खोजते नहीं हैं और एक गलतफहमी में जीते रहते हैं कि इस संसार में हम लोग खुश रह सकते हैं। देखिए, संसार को अगर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिसाइज किया जाए वो भी गलत है, और अगर बहुत ही ज़्यादा डीमोनाइज किया जाए कि बहुत ही ज़्यादा धंधा है संसार, वो भी ठीक नहीं है। और बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज किया जाए कि ओ यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ये रोमांटिसाइज करना ये भी गलत है। ये जगह जो है वास्तव में फर्स्ट ऑफ ऑल ये भगवान ने बनाई। क्यों बनाई भगवान ने? बनाई ये जगह को, ये भगवान ने बनाया ताकि हमारी चॉइसेस को रिफॉर्म किया जा सके। सो कृष्णा हैज मेड दिस वर्ल्ड सो दैट आवर चॉइसेस कैन बी रिफॉर्म। भगवान ने ये जो दुनिया बनाई हमारी अंदर की टेंडेंसीज को आई लव यू में कन्वर्ट करने के लिए बनाई। अभी हमने चॉइस क्या की हुई है? आई लीव यू गॉड, आई लीव यू। सो आई लीव यू को आई लव यू में कन्वर्ट करने के लिए भगवान ने जगत बनाया। तो हमारी चॉइसेस को रिफॉर्म करने की जगह ये भोग करने की पहली बात तो जगह ही नहीं है। सो वी आर टू सी दैट वट आर द वर्ड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ये दुनिया किसने बनाई? हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं या यूजर हैं? हम लोग तो इस दुनिया के यूजर्स हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर तो भगवान है। भगवान ने भगवद्गीता में कहा दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार क्या है? दुखालय है। और क्या है? अशाश्वतम। तो पहले वर्ड पर फोकस करते हैं दुखालय। जैसे हिमालय का मतलब होता है जहाँ हिम मिलती है, भोजनालय का मतलब होता है जहाँ भोजन मिलता है, विद्यालय का मतलब जहाँ विद्या मिलती है, और दुखालय का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली जहां दुख मिलने वाला है। अब हम हो सकता है भगवान से आर्ग्यू करें कि भगवान देखिए ये दुखालय नहीं है, ये तो सुखालय है, यहां सुख मिलता है। भगवान भगवान नहीं, मेरे बच्चे ये दुनिया मैंने बनाई ना, ये दुनिया मैंने बनाई, मैं बता रहा हूं ये दुनिया दुखालय है। हम कहेंगे नहीं 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 भगवान, ये तो सुखालय है। भगवान नहीं, मेरे बच्चे मैंने बनाया ना, दुखालय नहीं भगवान, सुखालय है। भगवान आपके भी एम्बियंस मॉल गए हो? हाँ, आपको भी किंगडम ऑफ ड्रीम्स गए गुड़गांव के अंदर? आपको भी डिज्नीलैंड गए हो? नहीं गए हो। आपको भी हॉलीवुड गए हो? नहीं गए हो। इसलिए भगवान आपको नहीं पता है ये सुखाले है। भगवान कहेंगे मेरे बच्चे ये दुखाले है। ओके, ठीक है। अब अगला वर्ड भी है अशाश्वतम। ये खुशियां मिलेंगी लेकिन आएंगी कम, चली ज्यादा जाएंगी, वो है खुशियों का हाल यहां पर। तो इसीलिए ये अशाश्वतम है। तो तुम जो कह रहे हो ना ये जो सुखाले है, सुखाले है या सुख मिलता है, सुख मिलता है सुखाले, बेटा सुखाले में ना बस छोटा ओ की मात्रा के बजाय बड़ा ओ की मात्रा करते, बाकी सब तेरी स्पेलिंग एज इट इज। तो अभी क्या बन गया? सुखाले। कि बेटा तू तो यहाँ सूखेगा ही सूखेगा, यहाँ सब लोग सूखते हैं, ए टू जेड सब सूखते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अक्सर मंदिर में ना बूढ़े लोग ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो सूख गए, इंद्रियां सूख गई, इच्छाएं, मतलब इच्छाएं तो जवान है लेकिन इंद्रियां सूख गई, मन जो है वो और तृष्णा है उसके अंदर, लेकिन क्या करें। तो इसलिए हम देखते हैं कि अक्सर बूढ़े लोग क्यों आते हैं मंदिर, यहाँ भगवान की भक्ति करने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि वो सूख गए बेचारे। लेकिन जवान लोग सोचते हैं नहीं 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 एक्चुअली क्या है, ये जो बूढ़े लोग हैं ना इनको लाइफ एंजॉय करनी नहीं आती, हमको लाइफ एंजॉय करनी आती है, वी नो हाउ टू एंजॉय लाइफ। लेकिन यही लोग जब बूढ़े होते हैं फाइनली ये फिर मंदिर आते हैं, फिर ये बचपन बोलते हैं देखो बूढ़ा व्यक्ति कहाँ जाएगा, सठे आ गए भैया मंदिर जाएंगे अपने, अच्छा है वहाँ घंटे वंटे बजाएं और क्या। वी विल एंजॉय लाइफ बट हु इज एबल टू एंजॉय लाइफ? Nobody is able to enjoy life. So there is always a struggle. और ये जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है ये हमको कन्विंस करती है दैट यू नो वी कैन बी हैप्पी। इस दुनिया में देखेंगे तीन जगह लोग बड़े खुश नजर आते हैं, एक है मूवीज, दूसरी है टीवी और तीसरा है बिलबोर्ड्स। लोग मूवीज देखते हैं कि ना बर्फ है, बर्फ में जो है बिना स्वेटर पहन करके हीरो हीरोइन अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में या सोनू निगम की आवाज़ में गाना गा रहे हैं, एक दूसरे बर्फ फेंक रहे हैं, ओह दे आर सो हैप्पी। पर हम में से कितने लोगों ने काम किया है कि हम लोग स्विट्जरलैंड जाएं या कश्मीर भी जाएं, अब वहाँ पर बिना स्वेटर पहने हुए, बिना छींके मारे हुए गाना गाएं और बर्फ़ फेंकें एक दूसरे के ऊपर, कभी किया है? नो, इट इज़ रियल लाइफ। रियल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क होता है। टेलीविजन इस तरह से हम देखते हैं कोई बनारसी साड़ी पहन करके चकला बेलन लेके बैठी हुई है, ओ वेरी हैप्पी। या फिर बिल बोर्ड में देखें कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा हो साथ में जाए, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन, ओ बाई स्मोकिंग यू कैन बी हैप्पी, ग्रेट। सो दैट वेज हम देखते हैं कि इन तीन जगह पे तो लोग बड़े खुश नजर आते हैं, मूवीज, टेलीविजन एंड बिलबोर्ड्स, लेकिन इन तीन जगहों के अलावा लोग बहुत दुखी हैं। देयर इज सो मच संघर्ष, सो मच स्ट्रगल बाबा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस दुनिया में संघर्ष ज्यादा है, खुशियां कम है। तो ये जो है वास्तव में सुखालय है, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ दुखालयम प्लस शाश्वतम।
और एक और बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इस दुनिया में जो चीज़ जितनी भी ज़्यादा चकाचौंध वाली है उसके पीछे उतना ही ज़्यादा अंधेरा है। जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री वेरी ब्राइट, लेकिन उसके पीछे बड़ा अंधेरा है, अकेलापन है, कॉम्पिटिशन है, स्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उसकी उसका कालापन भी है। मॉडलिंग इंडस्ट्री देखिए, जहाँ पर स्त्रियाँ किसी के द्वारा रक्षित नहीं है, देर इज़ नो प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, तो भाई उनका वहाँ पर अब क्या होगा क्या बताएं। जैसे अगर मान लीजिए कोई अंगूरों का खेत हो और अंगूरों खेत में ना कोई माली ना हो, तो वहाँ पर भेड़िए उन अंगूरों को खाने के लिए आएंगे ही आएंगे। सो मॉडलिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल वैसा ही हाल है, ये बड़ी ब्राइट है लेकिन वहाँ पर बड़ी लोनलीनेस है, शॉर्ट टर्म करियर स्पैन है, वहाँ पर एक अकेलापन है। तो हर वो चीज़ जो जगमगाती है संसार के अंदर हमें लगता है ओह इट इज़ सो फ्लैशी ग्लॉसी, पर उसके पीछे अंधकार भी है। तो इस संसार में हर रोशनी के पीछे अंधकार है ही है। और हमें एक और बात जो समझनी है वो ये है कि हम लोग सोल हैं, आत्मा, और हम आध्यात्मिक हैं। तो आत्मा क्योंकि आध्यात्मिक है इसलिए उसका आनंद भी आध्यात्मिक होना चाहिए, उसके संबंध भी आध्यात्मिक होने चाहिए, उसकी खुशियां भी आध्यात्मिक होना चाहिए, उसका लोग भी आध्यात्मिक होना चाहिए, उसका वातावरण भी आध्यात्मिक होना चाहिए, देन सोल कैन बी हैप्पी। अब सोल है स्पिरिचुअल, हम सब सोल आत्मा, लेकिन संसार भौतिक, संबंध स्वार्थी, और सब कुछ क्या है टेम्परेरी। तो इसीलिए यहाँ पर सोल कभी खुश रह नहीं सकती, क्योंकि ना सोल के नेचर के ऑपोजिट है ये संसार। सोल के बिल्कुल सिमिलर नेचर वाला है आध्यात्मिक जगत, भगवान का धाम, सो द किंगडम ऑफ गॉड, दैट इज अ प्लेस वेयर वी कैन बी नेचुरली हैप्पी। तो इस संसार में खुशियां ढूंढना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि केमिस्ट शॉप में सब्जी खरीदना। सब्जी खरीदने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन केमिस्ट शॉप में ना दवाइयां मिलती हैं, वहां पर आपको सब्जी नहीं मिलने वाली। तो सब्जी खरीदने में कोई खराबी नहीं, लेकिन केमिस्ट शॉप में सब्जी खरीदना वो गलत है। उसी तरह से सुख की आशा करना ये गलत नहीं है, लेकिन दुखालयम के अंदर सुख की आशा करना गलत है। यहाँ पर हमारी इच्छाएं फ्रस्ट्रेट होंगी ही होंगी, यहाँ पर हम सूखेंगे ही सूखेंगे यदि हम भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे। तो इसलिए यदि भगवान हमारे जीवन में है तो ये संसार जो है फिर संसारिक नहीं रह जाता हमारे लिए, ये संसार जो है भगवान का धाम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज बाय ब्रिंगिंग कृष्ण इन आवर लाइव्स वी कैन एक्चुअली डील विद दिस वर्ल्ड व्हिच सीम्स टू बी अ प्लेजर गिविंग बट एक्चुअली इट इज फुल ऑफ suffering, but we can be happy in this world in the association of Krishna and his wonderful devotees. Thank you very much for watching. Hare Krishna.